हेलो सिक्स क्लास वेलकम टू साइंस क्लास इन चैप्टर फोर इन लास्ट क्लास वी हैव डन नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड फाइबर नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद फाइबर टू फैब्रिक देयर आर टू मेन प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम फाइबर वीविंग एंड निटिंग दो प्रोसेस होते हैं जिससे फाइबर से फैब्रिक बनता है एक तो विविंग और एक निटिंग विविंग इनवॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ टू सेट्स ऑफ यन यानी जो वीविंग होती है वो दो धागों से मिलकर बनती है इट कैन बी डन बाई यूजिंग अ हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड मशीन कॉल्ड लूम्स इन विच टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज इन अ पीस ऑफ वुविन क्लोथ विच इज़ कॉल्ड वीव बेटा ये जो होता है ना इसमें दो तरीके का तरीके का धागा होता है जिसे फैब्रिक बनता है एक तो हाथ के दरिए जिसे हम चरखा कहते हैं उसे किया जाता है और एक ऑपरेट किया जाता है मशीन से बिजली वाली मशीन से जिसे लूम्स कहते हैं इसमें दो तरीके के धागे जो है अरेंज किए जाते हैं और उसके बाद वो कपड़ा बनता है वुवेन बोलते हैं उसको वेव ठीक है उसके बाद आता है हमारा नीटिंग इन निटिंग अ सिंगल यान इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक बट इसमें सिर्फ जैसे हम लोग स्वेटर बुनना जिसे हम कहते हैं निटिंग होती है उसमें सिंगल धागे का यूज भी किया जाता है इट इज़ डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स ये हाथ के द्वारा भी किया जाता है और मशीन के द्वारा भी किया जाता है सॉक्स स्वेटर ये सब बने जाते हैं किससे नीटिंग बोल नीटिंग से विविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक जो विविंग होती है और जो नीटिंग होती है ये किस लिए यूज की जाती है डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स के लिए ठीक उसके बाद हमारा आता है प्लांट्स फाइबर्स ये सोर्सेज ऑफ फाइबर्स पढ़ेंगे हम लोग और प्लांट फाइबर्स हैं कॉटन जूट कोर सिल्क कॉटन ये सब क्या है हमारा प्लांट फाइबर्स है जो प्लांट से मिलते हैं कॉटन इज़ ए सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट्स ये जो कॉटन होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये कॉटन प्लांट्स में सीड्स होते हैं ना उससे बनता है द कॉटन प्लांट स्क्रब जो कॉटन प्लांट से उसे क्या कहते हैं श्रब में आती है वो इट ग्रोज इन प्लेसेस हैविंग ब्लैक सोयल जहाँ काली मिट्टी होती है ना और गर्म तापमान हो और पेलेंटी ऑफ रेन्स यानी कि रेन जो है वो ठीक हो द डेज ऑफ कॉटन दीज डेज कॉटन इज़ ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हर जगह पे उगाई जाती है कॉटन ज़रूरी नहीं सिर्फ ये भारत में ही उगाई जाए ये हर जगह पे उगाई जाती है जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इजिप्ट रशिया इंडिया इस सब में वो है कॉटन मिल जाती है इन इंडिया कॉटन इज ग्र ग्रोन इन आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान तमिलनाडु ये जो इंडिया के ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर कॉटन उगाई जाती है द काटन प्लांट हैज़ अ स्मॉल ग्रीन फ्रूट जो पहले उसका पहले जो कॉटन प्लांट उगता है उसमें ग्रीन फ्रूट होता है उसको क्या कहते हैं कॉटन बॉल कहते हैं द काटन बॉल हैज सीड्स इन साइड उसके बीच में बीज होते हैं विच आर सराउंडेड बाई काटन फाइबर्स वैन द काटन बॉल्स मैच्योर्स इट्स प्लिट्स ओपन एक्सपोजिंग द रॉ काटन फाइबर्स जो उसके कॉटन बॉल्स होते हैं ना वो स्प्रिट्स हो जाते हैं और कैसे ओपन होते हैं जैसे कि एक कच्चा कॉटन का फाइबर होता है ना रुए रुए से वैसे से हो जाते हैं द हीट ऑफ द सन ड्राइज दीज फाइबर्स अब क्या करते हैं जब धुओं जब धूप होती है जब हीट आती है तो वो उसको सूखा देती है आफ्टर ड्राइंग फाइबर्स द क्रॉप्स हार्वेस्टेड जब बिल्कुल सूख जाते हैं तो क्रॉप्स क्या होती हैं बिल्कुल कटने के लिए तैयार होती हैं इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट द फाइबर्स फ्रॉम सीड्स बाय हैंड ये ईजी नहीं है कि उसको हाथ से आप वो तोड़ सकें और सेपरेट कर सकें लार्ज स्टील कॉम्स कंगी होती है स्टील तरी जैसे हम कंगी करते हैं ना बालों में ऐसे स्टील की कंगी होती है जिसे गिन्स कहते हैं और ये यूज प्रॉपर वे में इस प्रॉपर वे पर्पज में यूज़ होती है प्रॉपर वे में उसको यूज़ किया जाता है आन देअ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम मैश मास ऑफ कॉटन फाइबर्स कॉल्ड गिनिंग जो प्रोसेस होता है ना इसको उतारने का सीड्स को इसको क्या कहते हैं गिनिंग और गिनिंग इज़ डन टू सेपरेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड जो ये गिनिंग होती है ये क्या होती है कॉटन फाइबर्स को अलग करने के लिए होती है सीड्स को द फाइबर्स आर स्पन यूजिंग स्पिनिंग मशीन्स टू फॉम कॉटन यान एंड इट इज़ यूज टू मेक कॉटन फैब्रिक्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्राम फैब्रिक इज कॉल्ड स्पिनिंग जो बेटा प्रोसेस होता है ना स्पिनिंग का मशीन्स से जो कॉटन से यान बनती है तो जो कॉटन फैब्रिक्स बनता आगे इसको क्या कहते हैं हम स्पिनिंग कहते हैं यान इज देन मेड इन टू काटन फैब्रिक्स बाई विविंग जो यान होती है वो कॉटन फैब्रिक्स विविंग यानी कि उसको बुनने चरखे पे सूतते हैं ना जिसे हम कहते हैं उस अकॉर्डिंग वो बनता है ठीक है ओके थैंक यू हैव अ नाइस